कोई स्विमिंग की क्लास यूट्यूब में देखे और कूद जाए पानी के अंदर तो डूब जाएगा, डूब जाए, कार चला कार भेज देगा। सही है ना? सही सर। अच्छा मुझे बताइए कि आपने ऑनलाइन नहीं सीखा तो मुझे बताइए ऐसी जगह क्यों नहीं गए जहाँ 8,000 की फीस होगी, 15,000 की फीस होगी, 20,000 में कम पैसे में बड़ा दावा कर रहे हैं। दूसरी बात, जहाँ दिल्ली में क्यों नहीं गए? दिल्ली में क्या हो रहा है कि दिल्ली में लाल किला भी था घूमने के लिए, कुतुब मीनार के साथ में आप करोलबाग से टूल वूल भी खरीद लेते, तो आपके पास ऑप्शन बहुत है। दिल्ली में हो सकता आपके रिश्तेदार भी होते, सबके रिश्तेदार एक आध दो तो दिल्ली में पड़े, नानी चाची या कोई भी, तो आप क्यों नहीं सोचे जोधपुर जैसे उसमें क्यों आ गए आप, क्या सोच कर? वही सर, मैं तो बहुत साल, मतलब 5 साल से खोज रहा था इंस्टीट्यूट को ही। मैंने एशिया टेलीकॉम को मुश्किल से यहाँ 5-6 महीने पहले ही से देखा था। हाँ। एक बार दो बार देखा तो बाकी टाइप से मैं भी स्किप करते गया कि चलो और कोई देखते देखते। एक दो बार जब देखा तो जब मेरे को सब प्रॉपर जब समझ में आया कि ये इंस्टीट्यूट ही सही इंस्टीट्यूट है सब जगह, इतने साल का एक्सपीरियंस तो मेरे को लग गया था, तो मैं जैसे ही 2 महीना कंटिन्यू देखा इस वीडियो को, आपकी वीडियो को, देसरा वीडियो को, और 2 महीने बाद तुरंत मैंने कॉल किया और अपना स्लॉट बुक कर लिया यहाँ पे। यहाँ पर और इतना सालों से इतना चला रहे हैं, हजारों वीडियो डाल चुके हैं इस इंडिया में, देवधर अग्रवाल के खिप रिपेयरिंग के वीडियो 1,000 के ऊपर हैं, तुम दोनों चैनल पर जाके देखो। मैं कब से वीडियो बना रहा हूँ आईफोन और एंड्रॉइड पर, हमारे एशिया टेलीकॉम के पड़े हुए कितने बच्चों के वीडियो डले हुए हैं यहाँ पर, तो अगर ये सब फेक होने चाहिए फिर तो फिर हर महीने कैसे फेक वीडियो बन सकते हैं? बच्चे पागल हैं क्या आएंगे? नहीं सर, मैं तो बहुत अच्छा पढ़ रहा हूँ, मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ पैसे देने के बाद भी। और अगर हम फेक हैं तो ये बच्चे यहाँ पे क्या कर रहे हैं? तुम बताओ हिंदुस्तान से आए हो भाई इंडिया के बाहर से भी आए हैं बहुत सारे स्टूडेंट और एक बात बताना चाहता हूँ कि नेवर जज बुक बाय इट्स कवर लाइन जो है एक्चुअल सही है आप जो देखोगे दो चार वीडियो देखे हो अरे यह नहीं होगा इसमें अगर आओगे तभी पता चलेगा इसका वैल्यू क्या है। हम सुनते हैं सिर्फ अपनी इज्जत की। जिद है मेरा फितूर, जिद है मेरा गुरूर, जिद है मेरी जुर। कुछ जनरली 2-4 स्टूडेंट को उठाऊंगा, देखो मैं बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं उठाऊंगा, तो मेरे बाद मेरे सारे एक स्टूडेंट है और मैं सिर्फ इतना पूछूंगा, मुझे बताओ एशिया टेलीकॉम में आकर क्या फील लगा? सर मेरा नाम राजू मौर्य है, मैं लखनऊ यूपी से आया हूँ। हाँ। और सबसे पहले चीज़ मैं सर यहाँ पर जो आया था मैं सर को खाली देख के आया था, पूर्ण विश्वास करके। हमारे मन में भी कुछ डाउट था कि कैसी पढ़ाई होगी, खाना पीना कैसा क्या मिलेगा, जो भी मिलेगा, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ ये है कि खाने पीने की समस्या हो सकती है लेकिन पढ़ाई में समस्या कभी नहीं हो सकती है। और जिस हिसाब से हमको जानकारी यहाँ पर मिली है, हम तो सोचते हैं कि सबसे बड़ी गुरु मंत्र जो हमें मिले लाइफ में मैं कभी नहीं भूल सकता। ऐसी सीख मिली है, ऐसी सरल टिप्स और ट्रिक मिले हैं कि जो काम अच्छे से छोड़ देते हैं, 2-4 कारीगर छोड़ देते हैं, नहीं कर पाते, वो अब 10 मिनट में हमसे हो जाएगा सर, सबसे बड़ी चीज़ है सर। तुमने लाइव पावर सीपीयू सब निकाल के लगा के चालू किया? जी सर, जी सर, चौथे दिन लगा लिया सर। और हर सर्किट को पढ़ा तुमने यहाँ पर? जी सर, हर सेक्शन या ग्राफिक सेक्शन हो या चार्जिंग से हर आईसी को उठा के डायग्राम बनाया तुमने? जी बिल्कुल बनाया सर। सबसे बढ़िया हमें इसका लगा सर नेटवर्क सेक्शन। हाँ। जो कि हमारी मैं लखनऊ का हूँ सर, हम खुद रिपेयरिंग करते 2-3 साल से। सबसे बड़ी चीज ये नेटवर्क, अगर मैं किसी को देता था तो कोई बना नहीं पाता था, लेकिन आज के समय में यह है जब से हमें सीख मिली है सर की टिप्स और ट्रिक मिला है, हमको ये लगता है कि मैं 15 से 20 मिनट के अंदर बना के दे दूंगा सर। मुझे बताओ डेट तो इंपॉर्टेंट है, डेट के लिए क्या कहोगे आज की डेट? सर आज तो बिल्कुल जबरदस्त, ऐसा लगता है कि अब जाके फिर काम करें फटाफट सर। अभी काम करने भी वाले हो, अभी आप जहां जाके खुद अपने डेट को डायग्नोस करने वाले हो? जी सर। कितना इंपॉर्टेंट है एक स्टेप, जैसे सर ने कहा एक स्टेप से दूसरा स्टेप, किसी भी सेट को बनाओ पहले मत, पहले उसको डायग्नोस करो। जी सर, क्योंकि डायग्नोस करना अगर आएगा नहीं तो बनाएंगे क्या सर? वही तो वही वाली बात हो गई ना, जब पता ही नहीं है कि कहां किधर वोल्टेज ढूंढने हैं तो फिर हाई हीट ही देंगे ना। जी बिल्कुल सर। अच्छा हीट तो नहीं दोगे ना? नहीं सर, अब तो कभी नहीं। और सबसे बड़ी चीज ये है कि यहां पर एशिया टेलीकॉम की सबसे बड़ी गुणवत्ता ये है, हमने यहां पर आके जो अफसोस किया अपने आप को सीखा जाना कि पहले सीढ़ी से चढ़ना सीखो, डायरेक्ट ऊपर मत चढ़ो। यहाँ पर लोग उल्टा सीधा काम करके हीट पीट करके देते, लेकिन अब हम लोग भी पहले करते थे, ऐसा नहीं कि नहीं करते थे, लेकिन आज की डेट में आज से मैं भूल गया, कान पकड़ता हूँ कि अब कभी कुछ नहीं करोगे बिना डायग्नोस किए हुए। भाई सर जानकारी नहीं थी, जानकारी नहीं थी तो इसलिए होता था सर। लेकिन बड़ी फीस लगा के आया हो तुम यहाँ पर, सब कुछ कर लेके आओ, एक महीना दुकान पे ताला लटका के आओ, लखनऊ से आओ, जबलपुर आए हो। जी सर। तो जो काम
सोच के आया था, डेट आपकी 15 दिन की क्लास पूरी हो गई है जी, तो डेट के बारे में बताओ मेरे को, डेट का पूरा कैलकुलेशन निकला कि नहीं निकला? सर डेट का जो कैलकुलेशन निकला है वो आप कहते हैं कि हम 15 मिनट में डायग्नोस कर देंगे कैसा भी सेट हो, हम तो कहते हैं कि दो चार कारीगर से वापस आ जाएगा तो भी आप डायग्नोस करके परफेक्ट कर देंगे सर। चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आओ 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 आओ, कोई भी यार, रैंडमली मैं कोई भी उठा रहा हूँ। मेरे भाई सुनो, मेरे को बात बताओ, तुमको यहाँ पढ़ने के लिए yes, sir. मैं बताऊँ, मैं गोरी मैडम खड़ी कर दूँ तुम्हारे बगल में yes, sir. क्या खड़ी कर दूँ? गोरी मैडम, गोरी मैडम चाचा yes, sir. तुम्हारे को रोज खाने में बिरयानी खिलाऊं yes, क्या खिलाऊं? बिरयानी। और तुम्हारे कमरे के ऊपर 3 AC लगाऊं, समझ में आ रहा है yes, और मस्त ये करने के बाद, और तुमको पढ़ाऊं नहीं तो बताओ कैसा फील होगा? बताओ सबसे पहली। और तुमको बोलूं कि तो 2 दिन की छुट्टी है, जाके यहाँ पर घूमाओ, किला है यहाँ पे बाजू में, कैसा लगेगा तुमको? बहुत बुरा सर। तो पढ़ने आए हो कि खाने आए हो कि घूमने आए हो, क्या करने आए हो? सर पढ़ने आए सर। कौन आया पढ़ने? सर सर आए घूमने या गोरी मैडम को देखने तो नहीं आए ना? नहीं सर। सर सबसे पहली बात, मेरा नाम अरमान है और मैं महाराष्ट्र थाने से हूँ। सर बोला जाता है थाने मतलब महाराष्ट्र जो है ना सर, मुंबई पूरे इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट है, लेकिन वहाँ से हम यहाँ क्यों आए? क्योंकि यहाँ एजुकेशन अच्छी मिलती है सर। सर इतनी दूर बोलो तो 15 घंटे का सफर करके फिर भी हम यहाँ आए, क्योंकि यहाँ हमको जो देव सर पर बहुत विश्वास था और हमको लग रहा है विश्वास से भी ज़्यादा नॉलेज मिल रहा है, जो ये सबसे बहुत बड़ी चीज़ हमारे लिए सर। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे बताओ तुमने पावर सीपीयू एमएमसी सब निकाल के लगाया सर? मैंने जैसे जैसे मतलब बताया गया कि हाँ फर्स्ट दिन आप ये कर लेंगे, तो मैंने वही चीज हुआ और हमने किया भी प्रैक्टिकल। पहले तो डर लगता था तो सर, तो नहीं किया? नहीं सर, ऐसा लगा कि इनने तो एक बार हाथ पकड़ के करवा दिया, दूसरी बार तो नहीं हो रहा सर। अगर एक बार होता तो समझ में आता सर, 5 बार 6 बार तुक्के में नहीं होता सर, वो 100% कंफर्म होता है। कंफर्म होता है जी सर। मुझे बताओ डेली जो सर्किट पढ़ रहे हैं हम, जितने भी घंटे पढ़ते हैं सब वैल्यूएबल होता है कि नहीं? सर बोलो तो यहाँ पर बैठने समय का पता ही नहीं चलता ही कब निकल जाता है सर यहाँ पर ना। यस सर, राइट। समय की वैल्यू कौन कौन सीखा है यहाँ पर? सर सर सही में सीखेगी नहीं? यस सर। और मुझे बताओ नेटवर्क सेक्शन और डेट सेक्शन, ये दो सबसे तगड़े सेक्शन है, आज भी इंडिया में बहुत सारे गिने चुने ऐसे लोग हैं जो ये नहीं बना पाते हैं, तो रीजन क्या है इसके पीछे? सर रीजन सबसे पहली बात, मैं भी यहाँ जब नहीं था तो हमको भी ऐसा लगता है नो सर्विस है मतलब रिटर्न कर दो, लेकिन सर अब ऐसा है कि सर ने इतना नॉलेज दे दिया कि उसको प्रॉपर डायग्नोस करके क्या प्रॉब्लम है उसको फाइंड कर सकते हैं और उसको इजिली सॉल्व भी कर सकते हैं। इनके बैग में देख लो। और डेट सेक्शन की बात रही तो डेट सेक्शन में हम लोग भी पहले आते थे, बैटरी कनेक्टर चेक किए, वोल्टेज नहीं हुआ तो उसको रिटर्न कर दिया हीट वीट मार के, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। अब सर ने जो नॉलेज दिया उसके अकॉर्डिंग 1 by 1 करके चेक करेंगे क्या प्रॉब्लम है उसको फाइंड करेंगे, फिर जाके सॉल्यूशन करेंगे और 100% करेंगे। वेरी गुड। एक लास्ट मुझे बताओ, कोई नया आना चाहे तो क्यों आए? सर अगर कोई नया आना चाहे ना तो सबसे पहली बात अपने मन में सवाल मत लेके आइए। अगर सोच रहे हैं, यही चीज मैं भी सोच रहा था और वो भी 1-2 दिन से नहीं 4 सालों से सोच रहा था जी, जी, लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला कि नहीं कर सकते और हम भी कर सकते हैं। तुम 3 साल पहले आते यहाँ पर तो क्या होता? अगर सर 3 साल पहले आते तो हम यहाँ नहीं खड़े होते, आज मेरी काफी काफी लंबी स्टेज रहती है और मैं बहुत आगे तक जा चुका होता, जो मैंने बहुत बड़ी गलती किया ये नहीं करके जो 3 साल पहले नहीं आया। अब तुम आने वाले समय में वो 3 साल वाली चीजों को वापस लेने वाले हो। यस सर। यस सर। तुम वो मुकाम में पहुंचोगे जो मैं बहुत सारे अच्छे टेक्नीशियन 10 सालों से नहीं पहुंच पाए। यस सर। ये मैं वादा करूंगा तुम पहुंच जाओगे। चलो ठीक है। और तुमको सपोर्ट देवेदन अग्रवाल उसकी टीम करेगी। जी सर। आओ यहां पर आओ, इधर उछल कर आओ। क्या नाम है? सर मेरा नाम राहुल है, मैं यूपी गाजियाबाद से हूँ। और सर मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा कि ये तो सबको पता ही है, सबने दे ही दिया है कि यहाँ पे कैसा पढ़ाया जाता है, कैसा सिखाया जाता है। बाकी मैं ये कह रहा हूँ कि इस फील्ड में जिसे आना है, जिसे इस फील्ड में कूदना है, उसको सर यहाँ पे बिल्कुल आना चाहिए, 100% आना चाहिए, क्योंकि बहुत बहुत सारे इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं। मैं खुद समझ लो दिल्ली से ही हूँ, मैं यूपी बॉर्डर के मैं बिल्कुल टच में हूँ, और मैंने पहले बहुत मतलब वहाँ पे ट्राई किया अपने वहाँ भी पास में कि कौन सा इंस्टीट्यूट बेस्ट है, कहाँ पे अच्छा, क्योंकि देखो अगर हम यहाँ पे फ्रेशर हैं, मतलब फ्रेशर एज ए मतलब जिसे कभी जिसने मतलब मेरी दुकान है 3-4 साल से, तो हर कोई बंदा ये सोचता है कि कहाँ मुझे अच्छा सिखाया जाएगा। तो सर मैं फाइंड करता था कि कहाँ पे अच्छा सिखाया जाता है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ मैंने हर बच्चे के रिव्यू देखे थे पहले, जैसे कि मैं दे रहा हूँ, और सर जैसा यहाँ पे मैंने सोचा था देखा था वैसा ही मुझे मिला यहाँ पे आके सर। पक्का? जी सर। और मैंने EMMC IC वगैरह ये मतलब एक हवा लगता था सर देखने में पहले कि आखिर उतर कैसे जाती है, लेकिन सर अब यहाँ के जब करा ना तो मतलब बहुत ही ईजी लग रहा है।
सब को 28 तारीख से आज 15 दिन हो गए, आज 11 तारीख है जी सर, 11 तारीख में ऐसा कोई सा सेक्शन या ऐसा कोई सा डे डिफरेंट सब मिला है, हर दिन डिफरेंट मिला जी सर, ऐसा कोई सा डे जिस दिन तुमको समझ में नहीं आया? नहीं नहीं, कोई ऐसा दिन नहीं रहा सर। तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ, पूरी क्लास की बात कर रहा हूँ, पूरी क्लास की बात कर रहा हूँ जी सर। क्योंकि सर नॉलेज ही ऐसी दी जाती है ना, सुबह मॉर्निंग से लेके समझ लो रात के हमें 11 बज जाते हैं। जैसे राहुल आज आपने अभी तक मेरे से डेड डायग्नोस समझा जी सर, अब यही चीज को प्रैक्टिकल खुद करने वाले, बिल्कुल सर, तो यही तो मेन कॉम्बो है ना जी सर। अगर सब थ्योरी थ्योरी करेंगे तो समझ में आएगा क्या? नेटवर्क के दिन भी आपने खुद जाके WTR के GR और डाटा सेट बनाई थी, नहीं बनाई सर, किसी ने बनाई थी WTR? हमने सर समझ कर बनाई थी जी सर, RFID डाटा, दुनिया भर की चीजें, सारी चीजें। मुझे बताओ कि कोई भी यहाँ पर क्यों आए, क्या सोच लेकर आए? सर मैं बता रहा हूँ, अगर यहाँ पे इस फील्ड में अगर उसे जाना है तो उसे ट्रस्ट करना ही पड़ेगा और आना पड़ेगा। तुम अपनी गारंटी दे सकते हो? बिल्कुल मैं दे सकता हूँ सर, है ना जी सर। अच्छा, जो हम गारंटी देते हैं 4 दिन की, वो सही है कि नहीं? बिल्कुल सही है सर, और मतलब वो जेन्युइन है, बिल्कुल ऐसा तो नहीं बोलते 4 दिन में कि नहीं हम ऐसा कोई पैसा वैसा नहीं देंगे सर, सबको बोला गया बराबर है जी सर, बोला मतलब सब अपने पैसों को सिक्योर रख सकते हैं जी सर, बिल्कुल रख सकते हैं। चलो ठीक है, थैंक यू मच राहुल। मेरे साथ में 2 नेपाल के हैं, सो क्या कहना चाहोगे नेपाल से, नेपाल से एशिया टेलीकॉम क्यों? सर एशिया टेलीकॉम जैसा नेपाली में बोलो, आपको दिक्कत नहीं? नेपाल योर लैंग्वेज ठीक है सर, एशिया टेलिकम जस्तो सायद अन्तैतिर छैन होला इन्स्टिच्युट, त्यही भएर एकदम आरामले आउँदा हुन्छ, यहाँ जस्तो ज्ञान अन्तै कतै पनि पाउँदैन, त्यही भएर यहीँ आउनुहोस् नलेजको लागि, यहाँ जस्तो अन्तै कतै पनि पाउँदैन। ओके क्या बोले? क्या बोले तुम? भुले क्या? नहीं सर, मैंने बोला एशिया टेलीकॉम जैसा ते अच्छा नहीं, अच्छा किधर भी नहीं है। पक्का? जी सर, तुम बताओ, तुम थोड़ा बताओ। हिंदी में एक्सप्लेन नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मेरा नाम धर्मेंद्र चौधरी है, मैं भी नेपाल से हूँ। राइट राइट राइट। मैं एशिया टेलीकॉम में बहुत दिन से फॉलो कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे। कहाँ कहाँ फॉलो कर रहे थे? फेसबुक में, यूट्यूब में, कहाँ पर? फेसबुक यूट्यूब दोनों पर, जहाँ जहाँ देख रहे थे। राइट। मैं क्या कहना चाहता हूँ, नेपाल के जितना भी है ना सीखने वाला, कोई इंस्टीट्यूट में ना जाए। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि एशिया टेलीकॉम में आए और निधुर्क होकर ज्ञान लेकर जाए। बिल्कुल जा सकता है जी सर, एकदम 100% सीखे ही नहीं सीखे, बहुत बहुत पूरे निकाले की नहीं निकाले, निकाले सर। हर IC का डाटा सीट आपने खुद बनाया, सर्किट समझे जी सर। नेटवर्क की बात करो, डेट आज कैसा लगा? डेट सेक्शन बहुत अच्छा, एकदम इंटरेस्ट सर। इंटरेस्ट क्या होता था पहले? डेट सेक्शन बनाते थे क्या सर? नहीं बना पाते सर। क्या करते 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 सर? वैसे ही हीट वुड अच्छा, ऑलमोस्ट सभी हीट वाले ही है, सीधे हीट घुमाते थे और पानी से साफ, मतलब थिनर से साफ करते थे। अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो आगे जाओ। सॉफ्टवेयर कर लेते थे ज्यादा से ज्यादा, सॉफ्टवेयर कर लेते हो गए पोर्ट वोट वाले। चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ नेपाल के आओ भाई यहाँ पर प्यारे, एक लास्ट, उसके बाद में फिर मैं क्लास देने वाला हूँ आप लोगों को उधर। चलिए सर नमस्कार, मेरा नाम हेमंत रथ है, मैं ओडिशा से हूँ। अच्छा तुम्हारा दोस्त, आ जा साथ में बैठते, तुम लोग आ जाओ। दोस्त है ये, इसको पहनता हूँ तो उसको बुरा लगता है। आओ भाई साथ में आता हूँ। तो सर मैं बोलना चाहता हूँ कि जैसे मैं खुद के बारे में बोलना चाहता हूँ पहले, कि मैं लेट कर दिया कि इधर आने वाला था, मैं पहले से फॉलो कर रहा था सर को, सबका चैनल को फॉलो कर रहा था इसे टेलीकॉम को, तो सर मैं बहुत ही लेट हो गया। मैं उसे मतलब खुद को मैं कोसता हूँ कि इतना लेट क्यों हो गया, क्योंकि मैं अगर पहले आ जाता तो मेरे को मतलब आज तक का जो कस्टमर जो रिटर्न जाते थे वो रिटर्न नहीं जाते, तो क्योंकि प्रॉपर नॉलेज नहीं था मेरे पास कि डेट आया, हीट मारे, हुआ तो हुआ, नहीं तो चलो रिटर्न करो। और नेटवर्क सेशन तो देखते ही चलो भाई हमसे ना हो पाएगा। तो अभी सर जो नॉलेज मिला हमको कि डेट सेशन नहीं हो पा रहा था, कि नेटवर्क सेशन नहीं हो पा रहा था, तो प्रॉपर नॉलेज मिला कहाँ से फ्रीक्वेंसी आता है, क्या नहीं, क्या सब पता चला। तो डेट सेशन में डायरेक्ट हीट मारना किया सब कुछ। हाँ सर, मैं नेटवर्क में जो बताई वहाँ सबने टेस्टिंग में सीख किया। हाँ सर, यही नहीं कि सिर्फ हमको देखा। DSO से पहली बार, DSO से तो हम देखते, मेरे को पता भी नहीं था DSO कौन कौन टेस्टिंग कर ले। सिर्फ रखने के लिए तो नहीं रखना है। सर DSO से फ्रीक्वेंसी कैसे चेक करना, क्या नहीं, वो सब सीखे सर। right, right. तो सर वो मेन चीज़ है सर, क्योंकि फ्रीक्वेंसी चेक करना भी एक आना चाहिए। वो मशीन तो हम पहले देखे भी नहीं थे, अब ऐसे टेलीकॉम आए, देखे, चेक करना सीखे, मेन चीज़ वो है, कहाँ काम आते हैं कहाँ नहीं, वो भी सीखे।
तो मैं बोलना चाहता हूँ डेढ़ सेकंड सबसे बढ़िया था सर, क्योंकि मैं डेढ़ सेकंड में कुछ भी बना नहीं पाता, जो हिट हुआ हुआ तो हुआ, नहीं तो नहीं। उसमें चेक करना कैसे प्रोसेस क्या, डीसी मतलब वन बाई वन कैसे केस स्टडी, बीट सिक्वेंस पता नहीं था, तो कैसे चेक करते स्टडी कैसे करना, वो सब बिल्कुल पता नहीं था। आने के बाद आज के बाद तो गारंटी है कि सब बन के जाएगा, बन के जाएगा। हाँ सर, अच्छा ये बताओ पहले दिन क्या गलती की जो तुम बोलोगे कि हाँ, गलती ना कर, गलती हम लाइन में बोलो, मैं निकल सकते थे पहले दिन। हाँ सर, मैं ये भी ना फूटा हुआ अंडा था, अब गोल्डन अंडा बन गया। चलो ठीक है, नहीं वो ठीक है, वो मस्ती मजाक की बात थी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि सबका एशिया टेलीकॉम में अगर आप आ जाते हैं और आप काउंसलिंग क्लास में बैठ भी जाते हैं तो आप तब भी मत समझना कि आपका एडमिशन हो चुका है। हाँ सर, राइट सर, राइट। जैसे सबका अधिकार होता है कि हम इस इंस्टीट्यूट को पढ़ना चाहते हैं तो आप वहाँ चले जाते हो, वैसे हमारा भी अधिकार होना चाहिए ना कि yes, हम पढ़ाए, क्योंकि हम उनको पढ़ाकर हमें अपना एक्सपीरियंस पता है कि हम उनको पढ़ा ही नहीं सकते जो हमसे पढ़ने ही नहीं चाहते। जो मुझे नहीं देख रहा है, जो उधर देख रहा है, तो क्या उससे पढ़ना चाहता है क्या? तुम्हारी सबकी आगे मेरे पर रहती है क्योंकि तुम मुझे सुनना चाहते हो, जी सर। तुम्हारे को वो कलर नहीं देखना है, जी सर। और जिस दिन तुम वो कलर देखना चालू कर दोगे उस दिन तुम्हारा इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, जी सर। तो तुमसे क्या गलती हुई थी? सर मेरे से गलती ये था कि मैं पहले दिन से जैसे ही आया, मैं आना चाहता था, पहले से आना था, लेकिन जैसे ही आया मेरे को डाउट था, हो पाएगा नहीं हो पाएगा, सीख पाऊंगा नहीं सीख पाऊंगा, बहुत सारा क्वेश्चन मन में था। लेकिन जैसे पहले ही दिन में MD सर ने आए थे काउंसलिंग क्लास में, पहले दिन में जैसे बोले कि नहीं 8 पिन में आपका डिस्प्ले सेक्शन पूरा ख़त्म, तब से मेरा दिमाग पूरा गुम हो गया था सर। तो मेरे को पता चला कि नहीं यहाँ नॉलेज मिलने वाला है मेरे को, गलती क्या हुई? नेक्स्ट लेवल किसी स्टूडेंट ने क्या किया था बताओ? और एक स्टूडेंट ने गलती किया था जो कि बोलो 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 खुल के बोलो भाई, हमको डाउट किया था, बता ना, हम कोई छुपाते नहीं है, ट्रांसपेरेंसी रखो, बोलो क्या हुआ था सर? वो गलती किए थे कि नहीं वो पढ़ा पाएंगे नहीं पढ़ा पाएंगे, वो तुम्हारे मन में नेगेटिव कर रहा था, नेगेटिव चारों तरफ फैला रहा था, तो उसको निकाल दिया गया। वो गलती क्या अच्छा था, निकालना सही था कि सही था सर, सही था ना, बिल्कुल सही था सर। क्योंकि अब अगर हाँ सर, वो आदमी आता है और हमारे खिलाफ कोई अगर चैनल डाल देता है, हाँ तो किसकी गलती है? उसकी गलती है सर, किसकी गलती है? उसकी गलती है सर। तो ऐसे ही है, तो ये जो बड़े हुए ना डले हुए नहीं, यही है। तुम ये बताओ इतना सब सिखाने के बाद में तुम साले काम करोगे कि चैनल पे वीडियो बनाओगे? क्या करोगे? काम करोगे यस सर। आप समझो कि एक ये ना जलन या फिर एक गुस्से की भावना होती है, ये अपने पर सही नहीं बात है, तो ये एक बहुत बड़ी चीज है। तुम मुझे बताओ एक जन, देखो मैं क्लियर करता हूँ क्या हुआ कि फर्स्ट टाइम जब ये आए, क्लास नहीं हुई थी, हाँ सर, कोई भी क्लास, फर्स्ट डे, इवन बहुत से लोग नहीं आए थे, हाँ सर, कितने आए थे टोटल? चौदह लोग थे। और सर काउंसलिंग पे इसलिए आते हैं क्योंकि सर को उनको थीम बतानी होती है कि हम क्या पढ़ाएंगे क्या है, और ये बेसिकली एक मोटिवेट भी है कि आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए कि हम ये आपको दे रहे हैं, और आप लोग को भी लगे कि हमें हॉस्टल में अकेला नहीं छोड़ा जा रहा है। सर बताओ दिन में तीन तीन बार आए कि नहीं? हाँ सर, रात के 12 बजे 1 बजे भी आते थे सर। तुम्हारे साथ जी सर। तो क्या हुआ कि एक स्टूडेंट था और वही आस पास का, तो वो स्टूडेंट ने जो हमसे पढ़ा ही नहीं, हाँ, वो स्टूडेंट आके सारे स्टूडेंट के मन में बोला अरे ये तो नहीं पढ़ाएंगे ये तो नहीं पढ़ाएंगे, जबकि पढ़े ही नहीं हुआ। तो सर एक चीज बता, क्या बोला? ऐसा बोला कि वो बोलते हैं कि 4 दिन का डेमो क्लास दे रहे हैं, और उस लड़के का कहना था कि नहीं मैं 4 दिन का पहले क्लास लूंगा तब पैसे दूंगा, उनके कहने मतलब था। तब हम लोगों ने उन्हें समझाया कि देखो भाई ऐसा है कि तो गारंटी ले रहे ना कि 4 दिन में पैसे निकालने हैं, अगर तुम्हें पसंद नहीं आता भाई ले जाओ ना, हम भाग रहे हैं ना इंस्टीट्यूट कहीं ले जाके भाग सकते हैं, इतने सारे लड़कों के सामने क्या हम लोग तुमसे क्या पैसे छीन सकते हैं क्या? तुम लोग कोई बच्चे हो क्या? कोई बच्चे तो ना हो यहाँ पर? और इतना सालों से इतना चला रहे हैं, हजारों वीडियो डाल चुके हैं इस इंडिया में, देवधर अग्रवाल के खिप रिपेयरिंग के वीडियो 1000 के ऊपर है, तुम दोनों चैनल पर जाके देखो। मैं कब से वीडियो बना रहा हूँ आईफोन और एंड्रॉइड पर, हमारे एशिया टेलीकॉम के पढ़े हुए कितने बच्चों के वीडियो डले हुए यहाँ पर, तो अगर ये सब फेक होने चाहिए फिर तो फिर हर महीने कैसे फेक वीडियो बन सकते हैं? बच्चे पागल हैं क्या आएंगे? नहीं सर मैं तो बहुत अच्छा पढ़ रहा हूँ, मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ पैसे देने के बाद भी। और अगर हम फेक हैं तो ये बच्चे यहाँ पे क्या कर रहे हैं? तुम बताओ इंडिया के बाहर से भी आए हैं बहुत सारे स्टूडेंट। और एक बात बताना चाहता हूँ कि नेवर जज ए बुक बाय इट्स कवर, लाइन जो है एक्चुअल सही है। आप जो देखोगे,
आप जो देख के बोलोगे नहीं, देख के वीडियो देखे हो, दो चार वीडियो देखे, अरे यार नहीं होगा, इसमें अगर आओगे तभी पता चलेगा इसका वैल्यू क्या है, वैल्यू क्या आप है? जब तक नहीं आओगे तब तक पता नहीं चलेगा। मैं तो बोलता हूँ जो वीडियो बनाता भी है पहले बात करो ना। हाँ सर, एक बार अपनी प्रॉब्लम समझाओ, हम आपको बुलाएंगे, पापा समझाएंगे, ज्यादा होगा फीस दे देंगे, पर आप कुछ नहीं करना चाहते हो। सीधी सी बात है ना, मान लीजिए कोई एक पर्सन है जिसको तकलीफ हो रही है, तो वो तकलीफ के लिए अपने घर वालों से बात करेगा, वो उनसे भी बात नहीं कर रहा, वो जाएगा थाने, थाने में बात करेगा, वो थाने में बात नहीं कर रहा, वो जाएगा पीएम को खत लिख सकता है, उसके भी बात नहीं, सीधा वीडियो, दोस्तों मेरे साथ तो ऐसा हो रहा है, अन्याय हो रहा है, तो ये चीज तो मतलब गलत है ना। आपके साथ में जब इतना जजमेंट के लिए लोग बैठे हुए हैं तो आप जाओ। तो अगर मैं सीधा ये वीडियो बना के सीधा गाली बकूंगा तो ये तो द्वेष की भावना है, ये मतलब जलस फील हुई, द्वेष भावना हुई सर इसके प्रति। सिर्फ और सिर्फ कि मैं गिराने के लिए आया हूँ, वो सर कभी सीखने आया ही नहीं, वो तो उस चीज को बदनाम करने के लिए आया, जो चीज यहाँ पे जो शिक्षा मिलती है, रियलिटी मेरी शिक्षा जहाँ मिलती है, उस शिक्षा के घर को यानी शिक्षा के मंदिर को वो बदनाम करने क्यों आया, बदनाम करने। मैं आपको ये भी बताता हूँ, मैंने आगे पता किया, मैं नाम नहीं लूंगा, मैं पहले बता रहा हूँ पर आगे जाके फोड़ दूंगा, ये भी बता रहा हूँ, मैं अभी नाम नहीं लूंगा पर आगे जाके फोड़ दूंगा, किसी इंस्टीट्यूट ने उसको भेजा हुआ है, समझ में आ रहा है मेरी बात, कि इनकी वैल्यू नीचे नहीं होगी तो हमारे पास बच्चे कैसे बढ़ेंगे, हर बच्चा तो ऐसे टेलीकॉम में आ रहा है, खींचने का मन भावना था उनका जो। अरे मैं ये कहता हूँ हिंदुस्तान 135 करोड़ के ऊपर है भाई, मैं क्या 135 पढ़ा लूंगा क्या? नहीं सर, मैं 1000 भी नहीं पढ़ा पाऊंगा, तू पढ़ाना, तेरे में दम रखना। यस सर, तेरे में दम होगी तो तेरे पास आएंगे बच्चे। यस सर, क्या हमने तुम लोगों को एक बार बताओ टूल दे देंगे, ये दे देंगे, वो दे देंगे, इसका प्रलोभ दिया था क्या? नहीं सर, 2 से भी ज्यादा कॉल किसी को किए थे क्या हमने? नहीं सर, कॉल उठाते नहीं है यार। नहीं सर, और ये बात ऐसा नहीं है कि गलत है, बात ये है कि हमारे पास टाइम नहीं होता, पर ऐसा नहीं है, हमारा बैकअप टीम का अलग ही लेवल है। बैकअप टीम रात के 12 बजे भी कॉल करोगे तो कॉल उठाया जाएगा आपका। एडमिशन वालों के एक बार कॉल नहीं उठाएंगे अपन, बाकी बैकअप के स्टूडेंट का सबसे पहले उठाएंगे। चलो ठीक है, मुझे बताओ आपका अनुभव। सर मैं विराग चौधरी औरंगाबाद बिहार से हूँ। मैं पिछला साल नवंबर में यानी मैं पहली बार सर देवरतन सर का वीडियो देखा था, तो पहली बार मैं मन में आया थिंक कि चलो देखते हैं कुछ, तो सर के पता नहीं मुझे सर के हाव भाव में ऐसा अनुभव हुआ कि सर कुछ हैं। अब भगवान से ऊपर तो नहीं कह सकते लेकिन उनके दर्जे में हैं, उनके लेवल में, क्योंकि देखिए मोबाइल लेवल का नहीं, भगवान मोबाइल लेवल का। देखिए नहीं नहीं सर, ऐसा क्या है कि देखिए पहली बार तो ये है कि सर के लिए मैं सबसे पहले नमन करता हूँ, बहुत सत नमन कि सर आप हमें इस लायक चुने कि आप मुझे विद्या दे सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे तो पूरे भारत में बहुत सारे इंस्टीट्यूट में, ऐसा नहीं कि बोलूंगा नहीं है, लेकिन जिस लेवल से सर पढ़ाते हैं मेरे को नहीं लगता कि कोई पढ़ाते होंगे, बाकी का मुझे पता नहीं है लेकिन मैं जहाँ तक जान रहा हूँ। और रही बात आज की क्लास की और बाकी 15 दिन की क्लास की, तो बहुत बेटर, इससे बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता है सर। सही बात है, थैंक यू वेरी मच। मुझे बताओ थोड़ा अनुभव आपका। मेरा नाम अमित है, छत्तीसगढ़ से हूँ। मेरा अनुभव तो ऐसा रहा, मैं पिछले 10 साल से काम कर रहा हूँ और यहाँ पे कुछ मेरे साथी जो है वो 2 महीना 3 महीना या साल भर से कर रहे हैं। हम लोगों ने साथ में पढ़ाई स्टार्ट की, यहाँ पे 10, 12, 13 दिन हो गया। 13 दिन में मतलब उनमें और मुझ में कोई फर्क ही नहीं रहा, वो मेरा 10 साल हो और 12 दिन हो, बराबर कर दिया सर ने। ये बात बहुत बड़ी बात है यार, 10 साल का बंदा आकर जब 1-2 महीने के बाद बैठता है तो थोड़ा एटीट्यूड सेल्फ उसमें भी रहता है कि मैं 10 साल से काम कर रहा हूँ, तो अभी जुम्मा 2 महीने आया है, मे भी हो सकता है तेरे को मोबाइल फोन खोलते आया, पर मैं तो हर चीज जानता हूँ, तो उसको लगता है कि यह तो आधा कोर्स जानता होगा, इसको तो आधा काम आता होगा, ये तो अभी बता देगा यहाँ से कौन सी लाइन निकल रही है। पर जब एक्चुअल में ये बेस पर आए, कॉम्पिटेंट जब पढ़ना चालू किए, तब इनको पता चला कि एक्चुअल में हमने बोर्ड पे काम ही नहीं किया, हम बोर्ड के ऊपर ही ऊपर काम कर रहे हैं, राइट? यस सर, ये कह सकते हैं ना? ये बिल्कुल कह सकते। इसी चीज को इम्प्रूव करने के लिए तुमने इंस्टीट्यूट चुना। Yes. तो मुझे ये बताओ तुमने ऑनलाइन क्यों नहीं पढ़ लिया यार बैठे? नहीं सर, मैं ऑनलाइन ऑनलाइन कभी कोई कोर्स कर ही नहीं सकता मोबाइल का, 100 बात की एक बात। क्या कार्ड चलाना ऑनलाइन सीखा जा सकता है? नहीं सर। स्विमिंग करना? नहीं सर। मैं बोलता हूँ, दावा करता हूँ, हेलो इधर दिखाओ, कोई स्विमिंग की क्लास यूट्यूब में देखे और कूद जाए पानी के अंदर, डूब जाएगा, डूब जाए, कार चलाओ कार भेज देगा।
सही है ना। सही है। अच्छा मुझे बताइए कि आपने ऑनलाइन नहीं सीखा तो मुझे बताइए ऐसी जगह क्यों नहीं गए जहाँ 8,000 की फीस होगी, 15,000 की फीस होगी, 20,000 में कम पैसे में बड़ा दावा कर रहे हैं। दूसरी बात, जहाँ दिल्ली में क्यों नहीं गए, दिल्ली में क्या हो रहा है कि दिल्ली में लाल किला भी था घूमने के लिए, कुतुब मीनार के साथ में आप करोलबाग से टूल वूल भी खरीद लेते, तो आपके पास ऑप्शन बहुत है। दिल्ली में हो सकता है आपके रिश्तेदार भी होते, सबके रिश्तेदार एक आध दो तो दिल्ली में पढ़े, मिली नानी चाची या कोई भी, तो आप क्यों नहीं सोचे जोधपुर जैसे उसमें क्यों आ गए आप, क्या सोच कर आए? वही सर, मैं तो बहुत साल, मतलब 5 साल से खोज रहा था इंस्टीट्यूट को ही। मैंने एशिया टेलीकॉम को मुश्किल से यहाँ 5-6 महीने पहले ही से देखा था। हाँ। एक बार दो बार देखा तो बाकी टाइप से मैं भी स्किप कर देगा कि चलो और कोई देखते देखते। एक दो बार जब देखा तो जब मेरे को सब प्रॉपर जब समझ में आया कि ये इंस्टीट्यूट ही सही इंस्टीट्यूट है सब जगह, इतने साल का एक्सपीरियंस तो मेरे को लग गया था, तो मैं जैसे ही 2 महीना कंटिन्यू देखा इस वीडियो को, आपकी वीडियो को, दूसरा वीडियो को, और 2 महीने बाद तुरंत मैंने कॉल किया और अपना स्लॉट बुक कर लिया यहाँ पे। ये सही किया और बहुत, मतलब मैं तो इतना खुश हूँ, मतलब इतना, मतलब अच्छा हो कि मैं कहीं और नहीं गया, तो आज बहुत पछताते रहता कहीं बैठ के। पैसा तो क्या बोलूँगा, तो पैसा तो इसका कोई वैल्यू नहीं लगा सकता, मतलब इस ज्ञान का कोई वही नहीं है, मोल ही नहीं है इस ज्ञान का तो जो मिला। जीवन का सही डिसीजन यही था कि मैं एशिया टेलीकॉम में आऊँ, तो मैं खुशनसीब मानता हूँ कि मेरे को एशिया टेलीकॉम का टीम मिले और देव सर जैसे टीचर मिले, एमडी सर जैसे टीचर मिले। मैं आप लोगों को थैंक यू कहना चाहता हूँ कि आप लोग ने एशिया टेलीकॉम को चुना, थैंक यू वेरी मच आप लोगों के लिए। एक ताली में आप लोगों के लिए इसे बनाऊंगा क्योंकि आपने मेरे हर गुस्से हो या कोई भी नाराजगी उन सबको सहा और सहकर आज यहाँ तक आए, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। मैंने किसी को भी जहाँ नगना किसी के दिल को बुरा कहने के लिए कोई बात नहीं कही, आप समझो मेरा आपसे किसी चीज़ का नाता नहीं था इससे पहले, मैं आपको जानता नहीं था, आप मुझे नहीं जानते थे, बात समझो। तो हम रास्ते चलते हम किसी को ऐसे कुछ कहते नहीं हैं, आप किसी को किसी से पंगा तो मोल नहीं ले सकते ना, पर मैं आपको क्यों कहता था क्योंकि मैं आपको अपना मानता हूँ, मेरी बात समझ रहे हो, और आप मेरी अब से रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गए हो, इसलिए मेरे को गुस्सा आता था कहीं जहाँ आप गलती करते थे, और उस गुस्से को मेरा काम ही ऐसा, मतलब ये समझो कि मैं ऐसा ही, मैं अपने आप को पढ़ाने का तरीका ही मान लो मेरा ही, हो सकता है कोई टीचर हंस हंस के पढ़ाए, हो सकता है मैं थोड़ा ऐसा गुस्सा करके पढ़ाऊं, पर मैं यही चाहूंगा कि आपको मेरी तरफ से कोई बुरा तो नहीं लगा किसी, पक्का सच में आप सर एक गुरु के अच्छे दायित्व को, जिस मैं, मेरा नाम सर्विस कुमार, मैं बिहार से हूँ, एक गुरु और शिष्य का रिश्ता कैसा होता है सर, यहाँ आने से पता चला हमको कि वाकई में एक गुरु का जो दायित्व होता है वो पिता से, माँ से, बेटा से, भाई से बढ़ के होता है, जो हम देव से सर सीखे और हमको देव सर दिए ने। मैं एक लास्ट बिल्कुल 5 मिनट बस अंदर, यूट्यूब में एक वीडियो आ रहा है लाइव और बहुत टाइम से है, वो 2-4 साल पहले है, और वो लड़का अब देखा जाए तो है ही नहीं, उसका वीडियो ही नहीं, वो सब डिलीट कर चुके हैं, हमने बोल भी दिया है, बातचीत हो गई है, हमने बोला आ जाओ, बोले सर कोई नहीं है मेरे को नहीं आने, वो खुद छोड़ चुका है, वही 2-3 दिन बाद निकालने वाली हिस्ट्री, 2 दिन आया, 3रे दिन में कोई गलती के कारण निकाल दिया, आप समझ रहे मेरी बात, तो उसके बाद में 2S में आके 1 साल बाद उन्होंने एक वीडियो अपलोड किया हमारे लिए, उसके खिलाफ मैंने खूब कार्रवाई भी की, वो कटर भी था तो मैंने पुलिस भी भिजवाई, सब कुछ वीडियो डिलीट हो गया, सो वो तो हो गया, उसकी तरफ से सब खत्म है, बट क्या हुआ कि वो वीडियो किसी और ने भी अपलोड कर लिया था डाउनलोड करके, अब ये कौन है ये हम भी जानते हैं, ऑब्वियस आप भी जानते हो कि कॉम्पिटिटर ही होंगे, और उसमें एक ही चीज़ डली है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो चीज़ निगेटिव होती है हम उसको निगेटिव से पॉजिटिव बनाना भी आना चाहिए, लोग कहते हैं सर आप उस पर कभी बात नहीं करते, मैं कहता हूँ मेरे पास इतना भी टाइम नहीं है, सच बताओ मेरे पास बहुत सारे सब्जेक्ट, बहुत सारे मेरे पास काम है, मैं उन काम पे का ज़्यादा ध्यान दूंगा, ना कि ऐसे लोग जो मेरे पे बातें कर रहे हैं, क्योंकि अगर मैं ऐसी बातों पे ध्यान देने लगूंगा और हर बातों को उठाऊंगा तो मैं अपना काम क्या करूंगा, आपको बोलने इवन जो जिसको कोई नहीं जानता है, इनको अभी फिलहाल कोई नहीं जानता है, अभी कल मार्केट में काम करेंगे तो इनको भी 4 लोग बोलने को जाएंगे, कुछ झूठ ही बोलेंगे, सच तो बोलेंगे ही नहीं, क्योंकि वो इनको ना जानते हैं ना इनसे मिले हैं, तो जो आपसे मिले नहीं आपको जानते नहीं है उसको, उसकी राय का कोई मतलब बनता है क्या? तो कहने का मतलब ये है लास्ट कि भैया कहते हैं कि बुलाती है मगर जाना नहीं, ऐसा है ना, बुलाती है मगर, तो हम कहेंगे बुलाती है तो दौड़ दौड़ के आना, बोलो लाइव में ये चीज़ मैंने सीखी, और मेरे माँ बाप ने, मेरे पापा ने बोला कि तुम्हारे जो नेगेटिव पॉइंट है उसको पॉजिटिव बनाओ,
तुम्हारी जो निगेटिव पॉइंट है, जहाँ तुम्हारा दर्द हो रहा है उसी दर्द में और दबाओ, तुम जितना दबाओ और दबाते जाओ उस दर्द को, और एक दिन एक टाइम तुम्हें दर्द खत्म हो जाएगा। सो मैंने है ना, इसलिए सीधी सी बात है, इस वीडियो का थंबनेल भी होने वाला है, सो मैं आप सबसे कहूंगा, बुलाती है मगर और क्या ना दौड़ दौड़ के, फिर से बुलाती है मगर और बुलाती है तो कौन कौन चाहता है ये दौड़ दौड़ के आना। वेरी गुड, देख ले भाई, बुलाती है तो दौड़ दौड़ के आना। चलो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू। ओके थैंक यू। पता लगा होगा कि एक इंस्टीट्यूट बैकअप को भी सपोर्ट दे रहा है ना, मतलब पुराने स्टूडेंट को भी बुला रहा है, सपोर्ट दे रहा है। लास्ट डे क्या करके गया? लास्ट डे हम लोगों ने डबल डेकर सीपीयू को मतलब जो है निकाले और उसके बाद रिवॉल्व भी किया, उसको लगाए भी पूरा पूरा। लास्ट डे आपने क्या किया सर? डुअल टेकर सीपीयू आपने रिबोलिंग किया, निकाला, क्लीन किया, वो मैटर समझ में आया आपको? बिल्कुल सर। सीपीयू भी किया, लास्ट डे क्या करके गए? लास्ट डबल डेकर किया है। डबल से लास्ट डे क्या करके गए सर? डबल टेकर किया लास्ट में। डुअल डेकर किया ना आपने, लास्ट डे क्या किया? डबल डेकर सीपीयू करके गए। चाहता हूं आखिरी दिन आपने क्या किया सर? डबल डेकर सी कैसे रिबोल करके लगाना है, क्लीनिंग प्रोसेस, ये सारी चीज की, ये आपने किया, सारे स्टूडेंट ने की, सब स्टूडेंट ने। आज आपने क्या किया आज के दिन बताओ सर? डबल डेकर किया मैंने, ओपनिंग, क्लीनिंग और रिबोलिंग। बहुत अच्छे किया आपने, पहले आप पूरी क्लास में पहले थे जिसने सबसे पहले डन किया। बिल्कुल। आज आपने क्या किया आज के दिन में बताया? आज हमने डबल डेकर किया सर। डबल डेकर किया आपने? आप मेरे साथ जिन्हें आज से क्या करवाया? सिर्फ डबल डेकर जो होता है उसको निकाल के रिवॉल्व करके वापस पूरी क्लीनिंग प्रोसेस करवाई। मेरे साथ ने क्या किया आज के दिन सर? डुअल डेकर सीपीयू आपने क्या क्या किया उसमें बताया सर? डुअल डेकर निकाल के फिर लगाए, मतलब उसका रैम क्लीन करके और उसका सीपीयू और किस सिस्टम से किया आपने? यूनिवर्सल प्रैक्टिकल करने मिलता है कि नहीं मिलता सर? बिल्कुल मिलता। आज आपने क्या किया सर? डुअल डेकर सीपीयू किया यहाँ पर, या आपने खुद किया? खुद से? यस सर खुद किया। आपने क्या किया आज के दिन का बताओ? आज डबल डेकर सीपीयू कर रहे हैं आप, उसको भी किससे किया आपने? यूनिवर्सल स्टेंसिल से। यस सर यूनिवर्सल। ऐसा कुछ आपने आज आखिरी दिन क्या किया? आज आखिरी दिन था सर, हम सब ने ना ड्यूल डेकर सीपीयू सर, रैम और सीपीयू उतार के दोबारा लगाया है सर सभी बच्चों ने, और सीपीयू उतार दिया था। आज आपने क्या किया? अच्छा ड्यूल सीपीयू। किस कौन सी तारीख को आए थे सर? हम 25 पर। क्या किया आज के दिन बताइए बस? सर ने ड्यूल डेकर किया सर। ड्यूल डेकर किया आपने? मेरे साथ में सबसे नंबर वन इंस्टीट्यूट